नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भोपाल बीएचईएल के उपभोक्ता भंडार में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के कारण सहकारिता विभाग ने कार्रवाई की है। अध्यक्ष मनोज बुद्धिराजा और उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी पर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत हुई थी। सहकारिता विभाग के अधिकारी सुरेश शर्मा और आर एस उपाध्याय ने पूरे रिकॉर्ड के लिए पिपलानी स्थित उपभोक्ता भंडार के कार्यालय पर पुलिस फोर्स के सहित दबिश दी, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष या मैनेजर कोई भी कार्यालय में नहीं मिला, जिसके कारण सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई की। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अधिकारी आर एस उपाध्याय ने कहा कि संचालक मंडल के बिना अनुमति के अध्यक्ष मनोज बुद्धिराजा और उपाध्यक्ष रामनारायण गिरी सहित मैनेजर ने संस्था का पैसा कई जगह लगाया है, वही कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। यदि सारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मैनेजर के घर में सर्च वारंट कर रिकॉर्ड तलाशी जाएगी, वही आर्थिक अनियमितताएं पाए जाने पर पुलिस में FIR भी कराई जाएगी। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। रिकॉर्ड न मिलने पर हमारे साथी आज जो पंचनामा है उसके हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जो आगामी हमारा अधिकार है उसके तहत एक जब्ती अधिकारी हम हमारी अधिकारी से निवेदन करेंगे, अधिकारी के माध्यम से वहां से हमको पुलिस फोर्स के साथ फिर जब्ती के रूप में हम ताला तोड़ के जब्त करेंगे। ये प्रक्रिया भी हमारे अधिकार क्षेत्र में अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जारी आदेश के बाद मिलेगी, उस समय हम पंचनामा बनाएंगे फिर रिकॉर्ड जब्त करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आने पर अभी तो प्रथम प्रयास है, रिकॉर्ड उम्मीद है मिल जाएगा। प्रबंधक चूंकि जैसे बताया कि आज बाहर है रिकॉर्ड है, इसमें बताया गया है कि जो बोर्ड है वर्तमान में उसके द्वारा संचालक मंडल में बगैर सहमति के अपनी स्वेच्छा से राशि का उपयोग कर लिया गया है। जैसे शेड बनवाया गया है कॉपी हाउस के पीछे, कॉपी हाउस की जो चलती थी उसको बंद किया गया, किराना डाला गया, दूसरी जगह भी किराना डाला गया, और इस जो किराना व्यवसाय के जो और कॉपी हाउस के पीछे जो टीन शेड डलवाया गया उसमें राशि का एक सीमा से ज़्यादा इन्होंने उपयोग कर लिया, इसके कारण कर्मचारियों की नगद पूंजी का अभाव हो गया और इनको नियमित वेतन देने के लिए तरल पूंजी इस भंडार में कम है, ऐसा इन लोगों की सामान्यता स्थिति है। तो अब उसकी जांच ही करना है कि उन्होंने किस मद से पैसा वहाँ उपयोग किया है, क्या तरल पूंजी जो शॉर्ट हुई है वो मूल पूंजी खा गए हैं या मिसयूज कर लिया है। ये तो दिखता है कि यहाँ इतना आय नहीं है जितना इन्होंने व्यय कर लिया है, क्योंकि व्यापार ऐसा कोई तरल नहीं हो रहा है जहाँ इनकी तरल पूंजी कर्मचारियों के उसमें हो सके। संस्था के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच के संबंध में संस्था के प्रबंधक और अध्यक्ष द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने के कारण मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा जब्ती अधिकारी हमारे साथी आर के शर्मा साहब को बनाया गया है। इनको रिकॉर्ड जब्त करके मेरी कस्टडी में देना है, जिसके आधार पर मैं जांच प्रतिवेदन दे सकूंगा। जो जांच प्रतिवेदन तैयार होगा उसके बाद इस संस्था के आर्थिक अनियमितताओं की जो शिकायत पूर्व में की गई हैं उसकी जाँच के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी आज की डेट में हमारे संस्था में आने के बाद कर्मचारियों ने बताया कि प्रबंधक जो हैं प्रमोद जी, उनकी माँ का वो है स्वास्थ्य खराब, इसलिए वो नहीं आ इस समय मौके पे, और उनका रिकॉर्ड उनकी कस्टडी में, इसलिए रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो पाया, ना जब्ती कर पाया हूँ। इसके लिए हम पुनः करेंगे प्रयास, लेकिन कर्मचारियों के समक्ष में मैंने आज पंचनामा बना लिया है और आप लोगों प्रमाण भी आप लोगों है, मैं सारी कार्रवाई नियमानुसार संपादित करके इस संस्था के कर्मचारियों के हित में शिकायत का निराकरण नियमानुसार करूंगा। सर, किस तरह की अन्य के अभाव में ये चीजें कहने की स्थिति में नहीं हूं मैं कि आज की डेट में इन्होंने, तो अब जैसे अध्यक्ष और मैनेजर नहीं मिले हैं तो अब उनके लिए हम जब्ती के लिए सर्च वारंट करेंगे, ताला खुलवाएंगे, अच्छा उसके लिए अगर ये सूची देते हैं रिकॉर्ड बना के संदर्भ करके तो हम सूची बना के कस्टडी में लेके प्रांगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं तो गिरफ्तारी भी करवाएंगे क्या? गिरफ्तारी नहीं होती, रिकॉर्ड जब्त होता है। अच्छा, हमें व्यक्ति से दुर्भावना नहीं है। अच्छा, हमें जांच करना है, ये खुर्द-बुर्द ना करते। अच्छा, क्योंकि गबन नहीं है जब तक हमारे पास सिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ अनियमितता हुई है जिसकी शिकायत है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। अनियमितता के बाद होगी, अभी जांच हो, जांच उपरांत कार्रवाई प्रस्तावित तब की जा सकती है। मिसयूज कहां किया पैसे का? ये लोग कर्मचारी बैठे हैं, नियमित वेतन नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कर्मचारी वेतन पे हुई है और इन लोगों को नियमित वेतन मिलना चाहिए और वेतन नहीं मिल रही, तो इन लोगों ने शिकायतें की, कर्मचारी को निकाल के दिया है। अब उसको कोर्ट से रिलीफ मिली, उसका क्या क्या हुआ भी है? वो भी एक मैटर फंसा हुआ है, क्योंकि कर्मचारी को सेवा से हटाने के बाद कोर्ट के रिलीफ के बाद वो व्यक्ति को दोबारा नहीं लिया, वो भी बेचारा असहाय होता है। छोटे वेतन को यहाँ कोई बहुत लंबे वेतन नहीं मिलते, यहाँ 10,000-12,000 से कोई अधिक वेतन नहीं पा रहा है, छोटे छोटे स्तर पे छोटे सुविधा के साथ ये लोग जीवन यापन करते हैं। तो कोर्ट की अवमानना है यदि कोर्ट ने रिलीफ किया है तो? नहीं, कोर्ट ने अभी कुछ नहीं, कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं है, कार्रवाई चलनी चाहिए।
नहीं वो उसका वो व्यक्तिगत लगाना पड़ेगा, बोर्ड की मानना बनती है उस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाएगा जिसको रिलीफ नहीं मिली, बोर्ड का बात और सब कोर्ट से रिलीफ मिल गई, कोर्ट ने उसको रिलीफ दे और वो जीत गया। अब क्या है आगे की प्रक्रिया उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा उठाई आपत्तियों के निराकरण के लिए कार्रवाई के लिए जांच के लिए मुझे अर्पित किया गया। जीत से हम दस्तावेज मांग रहे हैं, ये कहते सब आप मैनेजर के पास नहीं है, सब अध्यक्ष के पास है, सीए के पास है, अध्यक्ष साहब कहते हैं वो मैनेजर से लो, ये दोनों आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठा ले। और चूंकि मेरे कोई अधिकार का क्या है कि दस्तावेज के बगैर हम लिख नहीं सकते क्या अच्छा है कि बुरा काम, तो हमारे दृष्टि में जब तक कागज नहीं मिले तो शिकायतकर्ता के बारे में हम क्या कहें, हम तो बुरा मानेंगे उसने लिखा है, लेकिन नहीं हम ये भी नहीं कह सकते कि गबन हुआ घोटाला हुआ राशि का उपयोग हुआ, ये तो सिद्ध है। पीछे क्या बना है आपको याद हो, कॉफी हाउस था उसके पीछे सेट वगैरह डाला, उसके फोटो लगाई वो बिल्कुल प्रमाणित है कि खर्चा हुआ। दूसरा ये इसमें स्टोर डाला गैस को अपना वो था कॉफी हाउस उसको बंद करके किराना डाला, ये स्टोर भी नहीं चले। तो इसमें लोगों का कहना ये है कि करोड़ों रुपए का विक्रय हुआ उसका प्रॉफिट संस्था में नहीं आया तो कहाँ गया, मैंने भ्रष्टाचार हुआ। अब भ्रष्टाचार हम अभी नहीं कर सकते अपनी जवान से चूंकि दस्तावेज नहीं देखे ऑडिट के लिए लिखा मैंने, इसकी गहन ऑडिट कराया जाए, वास्तविक सत्यता का परीक्षण कराया जाए, दस्तावेज हमारे अवलोकन के लिए जब्ति में आएंगे तब मैं कार्रवाई के लिए अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।